नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मैथ बाई सासर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आ रहे हैं जो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या को सेकंडों में हल कर देगी। इसके तहत आज हम आपको सिखाएंगे 9 की श्रृंखला का स्क्वेयर या वर्ग कैसे निकाला जाए। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लास्ट में लाइक करो उसको। अगर कोई भी समस्या आती है, कोई भी डाउट हो आपको, तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं दोबारा से उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और एक्सप्लेन अच्छे से दोबारा फिर करूंगा। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और दोस्तों, एक और आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा और दूसरे लोगों तक भी भेजें। और उन आपके परिवार में यदि छोटे बच्चे हैं, पाँचवीं क्लास में है, छठी क्लास में है, उनको भी ये चीज़ें दिखाएँ, क्योंकि उनके लिए बहुत एक अच्छा फैक्ट बनने जा रही है, एक अच्छी हेल्प मिलेगी उनको इनसे, क्योंकि उनकी जो मल्टीप्लाई का स्किल है वो बढ़ेगा, उनकी जो कैलकुलेशन पावर है वो भी इंक्रीज होगी। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आज जो टाइप है हमारी, ये हर प्रकार के एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगी। रेलवे हो, बैंक हो, SSC हो, SSTET हो, CTET हो, इनकी रिपीटेशन तो बार बार होती है, बस इनको थोड़ा मॉडिफाई करके और क्वेश्चन को हर बार बदल के सामने रख दिया जाता है। लेकिन बच्चे इतने लेंथी क्वेश्चन के होने की वजह से उसे या तो घबरा जाते हैं या उसे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको आगे ऐसी कोई भी समस्या नहीं आएगी। बस एक शर्त है, आप वीडियो को बड़ा ध्यान से देखें और जितने भी स्टेप बताए जाते हैं उनके ऊपर स्टेप बाय स्टेप गौर करते जाएं। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा देखें, और उसके बाद भी मैं नहीं सोचता कोई प्रॉब्लम बचेगी। फिर भी किसी को, दोस्त को अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर लिखें, दोबारा से उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर की जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट, देखते हैं आज हम इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 9 की श्रृंखला का वर्ग या स्क्वेयर कैसे निकालेंगे। इसमें पहला स्टेप है, सॉरी पहला क्वेश्चन हमारा ये है, 99 का स्क्वेयर हम कैसे निकालेंगे या 999 का स्क्वेयर कैसे निकालेंगे, 9999 का स्क्वेयर कैसे निकालेंगे। दोस्तों, स्क्वेयर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या की उसी से गुणा। तो जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि भी 99 की जो मल्टीप्लाई है वो 99 से हम कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखना दोस्तों, जो पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ उसमें ये है कि 99 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 99 से, या 99 का स्क्वेयर निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा, आप ये चेक करो कि इस 99 के अंदर या इस क्वेश्चन के अंदर कितनी बार 9 है। तो दोस्तों, इसमें मेरे को एक दो बार 9 दिखाई दे रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें जो लास्ट 9 होगा उसको आपको 8 लिखना है। लास्ट वाले 9 को क्या लिखना है, 8 लिखना है। तो पहला 9 सेम टू सेम, दूसरे 9 को, सॉरी जो लास्ट 9 है उसको क्या लिखना है, आपको 8 लिख देना है, यानी कि 8 लिख देंगे उसको। अब अगला स्टेप क्या होगा दोस्त, हमारा जो 8 है या इससे जो लास्ट संख्या लिखी हमने 8 लिखी, उससे आगे कितनी बार 9 है, तो उस 8 से आगे एक ही बार 9 है, तो मैं इसके बाद एक ही बार 0 लिख दूंगा और लास्ट में लिखना है हमें 1, लास्ट में लिखना है 1। तो दोस्तों, ये आज का हमारा आंसर। एक बार दोबारा देखते हैं, 999 का स्क्वेयर निकलना में, तो इसमें 3 बार 9 है, कितनी बार 9 है, 1 2 3, यानी 3 बार 9 है, तो मैं लास्ट वाले 9 को 8 लिखूंगा, लास्ट वाले 9 को 8 लिखूंगा, बाकी 9 सेम टू सेम लिखने हैं। पहला 9 सेम टू सेम, दूसरा 9 सेम टू सेम, तीसरा 9 यानी जो लास्ट 9 है उसको आपको 8 लिखना है। क्या लिखना है, 8। अब चेक करो इस 8 से आगे कितनी बार 9 हो गए, इस 8 से आगे एक दो बार 9 है, तो इसके पीछे दो बार 0 लगा दो दोस्तों और लास्ट में फिर लिख दो 1। ये आ गया इसका भी हमारा आंसर। देखो कितना आसान है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, यानी कि 9999 का स्क्वायर निकालेंगे, तो वही स्टेप फॉलो करेंगे, इसमें भी लास्ट वाले 9 को 8 लिखेंगे। तो पहला 9 सेम टू सेम, दूसरा 9 सेम टू सेम, तीसरा 9 फिर सेम टू सेम, जो लास्ट 9 है उसको क्या लिखेंगे दोस्तों, 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 8। अब चेक करो इस 8 से आगे कितनी बार 9 लिखे आपने, 8 से आगे 1 2 3, यानी कि 1 2 3, तीन बार आपने 9 लिखे हैं, तो इसके पीछे तीन बार ही 0 लिखनी पड़ेंगी, 1 2 3।
और फिर लास्ट वाला स्टेप, इन सब के पीछे क्या लिखना है, एक। दोस्तों जो एक है ये इसमें आपको हमेशा लिखना पड़ेगा, चाहे कितनी बार ये नाइन हो, 2 बार, 5 बार, 10 बार, कितनी बार हो, सब में आपको पीछे वन लिखना है। तो दोस्तों ये भी हमारा आंसर आ गया, देखो कितना टाइम बच गया हमारा। अगर इस प्रश्न को सोल्व करोगे तो कम से कम 3 या 4 मिनट लेंगे, यही प्रश्न आपने 2 सेकंड में कर दिया, कितना इंटरेस्टिंग है। मैं तो ये कहूंगा दोस्तों, ये कैलकुलेशन ये एक मैथ का जादू है। लेट अस गो फॉर सेकेंड क्वेश्चन। अब इसका थोड़ा मॉडिफाई रूप है दोस्तों, इसको समझते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, इस क्वेश्चन को यानी कि इतनी, यानी 6 बार 9 ऊपर है, 6 बार 9 नीचे है, इसके अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, गुना करूंगा, तो मेरे को ये सारा इतना पोर्शन ये सारा भरना पड़ेगा, एंड तब जाके मेरे को इसका आंसर मिलेगा। और दोस्तों इसके लिए एक चीज और भी है, किसी को टेबल आती है यानी पहाड़े आते हैं वो ही कर पाएगा, जिसको पहाड़े नहीं आते वो इसकी गुणा नहीं कर पाएगा। जिनको पहाड़े नहीं आते उनके लिए तो जब मैं ट्रिक बता रहा हूँ, एक रामबाण है, वो इसको 1 सेकंड में सोल्व कर लेंगे। देखते हैं दोस्तों, ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार जो 9 है उसका स्क्वेयर बताना आपको, 2 2 4 और 2 6, यानी इसका क्या बताना आपको, स्क्वेयर बताना है, यानी कि 9,99,999 का स्क्वायर बताना आपको। ये दोनों चीज सेम है, तो देखो ध्यान से कैसे इसका आंसर आप 2 सेकंड या 3 सेकंड में निकाल लोगे। अगर आपने 5 या 10 क्वेश्चन ऐसे कर लिए तो मैं तो ये कहता हूँ आपको, अगर ऑप्शन है तो देखते 1 सेकंड में पहचान लोगे इसको। फिर वही स्टेप करेंगे, इस क्वेश्चन में लास्ट वाले 9 को 8 करेंगे, बाकी सारे सेम टू सेम। पहला 9 सेम, दूसरा सेम, तीसरा सेम, चौथा सेम, पांचवा सेम, और लास्ट वाला 9 इसको क्या करेंगे, 8 लिखेंगे, आखिरी 9 को 8 लिखेंगे। उसके बाद कितने 9 है गिन लो, 8 के बाद, सॉरी 8 के आगे कितनी 9 है या कितनी 9 है, 1 2 3 4 5, तो 5 बार 0 लगा दो, 1 2 3 4 5, और लास्ट में लिख दो 1। दोस्तों फिर आ गया आपका आंसर, यानी ये कितनी बड़ी गुणा थी, आपने केवल 1 लाइन में सुमेट दिया। और दोस्तों जिसको पढ़े नहीं आते उसके लिए तो सबसे आसान और इससे अच्छी कोई ट्रिक नहीं हो सकती। तो दोस्तों एक बार फिर बोलूंगा मैं, ये जो ट्रिक है या ये जो आप जो वीडियो है, आप अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई बहनों को दिखाओ, ताकि उनका भी स्किल इंक्रीज हो, ये कैलकुलेशन की जो पावर उन बच्चों में वो बढ़ेगी इस वीडियो से। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। अब मेरे पास इतनी बड़ी मल्टीप्लाई है, इतना बड़ा स्क्वेयर है, अगर इसको मैं बाई कॉपी पेन करने लग जाऊंगा तो 5 से लेकर 8 मिनट से पहले मेरे से नहीं होगी। अगर कोई किसी भाई को टेबल नहीं आती या वो पहाड़ों में थोड़ा कमज़ोर है तो टाइम भी लगाएगा, पर्सन भी जाएगा, नंबर भी कटेगा उसका, क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो ये जो वीडियो है या ये जो ट्रिक है, आपका नंबर भी नहीं जाने देगी, टाइम भी नहीं लगेगा और आपको नंबर भी दिलाएगी। तो देखते हैं कैसे करेंगे। पहला स्टेप है, मैं एक बार इसी क्वेश्चन में सोल्व करके दिखाऊंगा आपको, ताकि हमें अलग से नहीं करना पड़े। मैं इसी के अंदर लास्ट वाले 9 को 8 कर दूं, या फिर वही स्टेप कर लेंगे, पहला 9 सेम, दूसरा 9 सेम, तीसरा 9 सेम, चौथा 9 सेम, पांचवा सेम, छठा सेम और सातवां सेम। अब बचा लास्ट वाले, इस 9 को क्या लिखेंगे हम, 8 लिख देंगे, इस 9 को क्या लिखेंगे, 8, और इससे आगे गिन लो कितनी 9 है, 2 2 4 2 6 1 7, तो 7 0 लगा दो दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट में लिख दो 1, यानी 1 लगा दो। ये दोस्तों इसका आंसर आ चुका है। अगर आपके हाथ में ये कितनी आसान ट्रिक आज आपके हाथ में आज कितनी आसान ट्रिक लग चुकी है दोस्तों, इस जो ये टाइप है इसकी कम से कम आप 7 8 क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करें, मैं गारंटी से ले कहता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको आगे कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। तो ये सीखी हमने 9 की श्रृंखला का वर्ग या स्क्वायर निकालना। इसी के अंदर दोस्तों हम एक अगली टाइप ऐड करने जा रहे हैं, जो स्क्वायर नहीं होगी लेकिन वो भी 9 की ही श्रृंखला है, बस अंतर होगा जब अंकों की संख्या समान न हो तो। और ये थी दोस्तों, जब अंकों की संख्या समान हो। अब अगली टाइप करें हम, जब 9 वाले प्रश्नों में अंकों की संख्या समान न हो तो क्या करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं अगली टाइप को, जब अंकों की संख्या समान न हो तो क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए। तो पहले ही जो टाइप है, सॉरी पहला क्वेश्चन उसको देखते हैं हम, यानी ऊपर 3 बार 9 है, नीचे 1 बार 9 है, यानी कि 999 गुणा में 9 से गुणी है। दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ,
जो ऊपर वाली टाइप है इसमें और इसमें जो अंतर आ रहा है वो किस चीज का आ रहा है देखते हैं। ऊपर वाली जो टाइप है यानी ऊपर जो हमारे पास क्वेश्चन थे 99 का स्क्वायर था, यानी इसके अंदर और इसके अंदर क्या अंतर है वो हम समझेंगे। इसमें था स्क्वायर यानी ऊपर भी दो बार नौ थे तो नीचे भी दो बार नौ थे, और जो इसमें हमारे पास ऊपर तीन बार नौ है नीचे एक बार नौ है, ऊपर तीन बार नौ है नीचे दो बार नौ है, ऊपर पांच बार नाइन है नीचे चार बार नाइन है। तो दोस्तों ये था इन दोनों में अंतर, और अब इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। ऊपर हमारे पास तीन बार नौ है नीचे एक बार नौ है, तो दोस्तों इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो इंपॉर्टेंट है केवल नीचे वाले नाइन के लिए। आपको ये देखना नीचे कितनी बार नाइन है, तो नीचे कितनी बार नाइन है, नीचे एक बार नाइन है, कितनी बार नाइन है एक बार नाइन हमारे पास। इसको करने से पहले एक बार इसको देखते हैं हम ध्यान से समझेंगे। इसमें हमारे पास दो बार नाइन है, कितनी बार नाइन है दो बार नाइन, तो ऊपर वाली संख्या में दूसरे नंबर के नौ को आठ कर देंगे, ऊपर वाली संख्या में दूसरे नंबर के नौ को क्या कर देंगे आठ कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें नीचे दो बार नौ है, तो बाकी सारे सेम टू सेम लिखने में दो, एक बार दोबारा सुनो, नीचे हमारे पास है दो बार नौ, कितनी बार नौ है दो बार नौ, तो ऊपर वाली संख्या में दूसरे नंबर के नौ को आठ करना है, तो पहला नौ सेम टू सेम, दूसरा नौ आठ करना है, क्यों? क्योंकि नीचे हमारे पास दो बार नौ थे, और तीसरा नौ सेम टू सेम। अब अगला स्टेप वही है दोस्तों, इस आठ से आगे कितनी बार नाइन है, एक बार नाइन है, तो आप एक जीरो लगा दो और पीछे एक लगा दो, इसका भी आंसर आ चुका दोस्तों। कितना आसान है ध्यान से देखो, इसका भी जो मल्टीप्लाई था वो हम निकाल चुके हैं। अब वापिस इस पे आओ, इसमें कितनी बार नाइन है एक बार नाइन, तो पहले वाले नौ को क्या करना है आठ, पहले वाले नौ को कर दिया आठ, बाकी नाइन है सेम टू सेम। अब इस नाइन से इस एट से आगे कोई भी हमारे पास नाइन नहीं है, तो कोई भी जीरो नहीं आएगी, तो लास्ट में क्या आ जाएगा एक, क्या जाएगा एक। अब इसमें चलते हैं दोस्तों, ये कितनी बड़ी मल्टीप्लाई है, इसको भी हम सेकंडों में सोल्व कर लेंगे, बस स्टेप सारे फॉलो वही करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है आप ये काउंट करो या ये गिनो नीचे वाली संख्या में कितनी बार नौ है, तो गिनते हैं एक दो तीन चार, यानी चार बार नौ है, तो ऊपर वाली संख्या में जो चौथे नंबर पे नौ होगा उसको हम आठ कर देंगे। दोबारा सुनो, एक दो तीन चार, नीचे चार बार नौ है, तो ऊपर वाली संख्या में चौथे नंबर के नौ को क्या करना है आठ, क्योंकि नीचे हमारे पास चार बार नौ है, तो चौथे नंबर के नौ को कर देंगे आठ, बाकी सारे सेम टू सेम। तो पहला नाइन सेम, दूसरा नाइन सेम, तीसरा नाइन सेम, लेकिन चौथे नंबर के नौ को क्या करना है आठ करना है, और पांच में नौ भी क्या आएगा सेम आएगा। दोस्तों आगे जगह नहीं बची, इसके लिए मैं सारी संख्या नीचे लिखूंगा। अगला स्टेप हमारा कि आठ से आगे कितनी बार नाइन है, आठ से आगे एक दो तीन, तीन बार नौ है, तो इसके पीछे तीन जीरो लगेंगी, एक दो तीन, और पीछे क्या लिखना हमें एक लिखना है, पीछे क्या लिखना है एक। तो दोस्तों इसकी गुणा भी हमारे पास आ चुकी है। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों आपके लिए, ये देखो, एक दो तीन चार पाँच, पांच बार नाइन लिखते हैं ऊपर और तीन बार नाइन लिखते हैं नीचे, इसकी मल्टीप्लाई अब फास्टेस्ट तरीके से करेंगे जो अभी बताया उसे करेंगे। तो तीन बार नौ नीचे हैं, तो तीसरे नंबर के नौ को क्या कर देंगे आठ, पहला नौ सेम, दूसरा नौ सेम, तीसरा नंबर के नौ क्या करेंगे आठ, अब बाकी दो बच के वो भी सेम टू सेम, यानी जो तीन नौ थे तो तीसरे नंबर के नौ को आठ करना है, बाकी नौ जितने भी वो सारे सेम टू सेम लिखने हैं। तो मैंने पहला सेम, दूसरा सेम, तीसरे नंबर को आठ कर दिया, चौथा सेम, पांचवा सेम। अब इस आठ से आगे कितने नौ है, एक दो, तो दो जीरो पीछे लगा दो, पीछे लगा दो एक। दोस्तों ये आ चुका आंसर इसका। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है, अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको ये लगे कि हमारी नॉलेज में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, कुछ वृद्धि हुई है, या इस वीडियो को देखकर आपको ये लगे हाँ ये मेरे एग्जाम में हेल्प करेगा, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक इसको पहुँचाएँ। वे बच्चे जो अच्छी कोचिंग नहीं ले पाते या कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके नहीं पढ़ पाते, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होगा ये। तो दोस्तों एक बार फिर आपसे ये कहूँगा मैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और उन बच्चों को जरूर दिखाएं जो अभी नवोदय विद्यालय के फॉर्म भरने जा रहे हैं, उनके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इन पे जरूर बनने वाला है। आपका कोई भी लड़का या लड़की अगर नवोदय विद्यालय का एग्जाम देने जा रही है, तो दोस्तों उनको ये वीडियो जरूर दिखाएँ।
इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।